हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? और मैं बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर अभी मॉर्निंग का समय हो रहा है और मैं बना रही हूँ मॉर्निंग में प्याज के पकौड़ी। यम्मी यम्मी, बहुत ही टेस्टी लगती हैं प्याज की पकौड़ियाँ। और हो रही है बाहर बारिश सुबह सुबह, तो मैंने सोचा चलो नाश्ते में क्या बनाऊँ, तो बस प्याज की पकौड़ी, चाय, और चाय के साथ तो पकौड़ियाँ खाओ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और मेरे हस्बैंड को भी ना प्याज की पकौड़ी ज़्यादा पसंद है, उनको ना आलू पड़े हुए नहीं अच्छे लगते, तो मैंने आलू नहीं डाले हैं, निखर प्याज की बनाई है। तो ये देखिए, गरम गरम खाइए, करारी करारी बरसात में बहुत ही टेस्टी लगती है। बस खा रहे बाबू हैं मूँगफली, दिखाओ दिखाओ हमें। खा लो, हाथ में क्या है, खा लो। यहाँ पे हस्बैंड आए, हस्बैंड लेके आए थे सब्जियाँ और कुछ सामान लेके आए थे, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या क्या सामान लेके आए हैं। कैंटीन से लेके आए थे सामान, तो बस निकालती हूँ मैं अभी इसको। तो अभी मैं दोपहर के लंच की तैयारी करने जा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं तुरई बना रही हूँ। तुरई एकदम देखिए फ्रेश है बिल्कुल और ताज़ी है, तो इसको मैंने गोल गोल काट लिया है और इसको धुल लिया था। तो अब मैं बस थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के इसमें थोड़ा सा फ्राई करूँगी, क्योंकि अगर तुरई को फ्राई करके बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और तुरई मुझे तो बहुत पसंद है, खासकर चावल के साथ, तो मैं चावल के साथ बहुत खाती हूँ। और बस यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ, नमक डाल के थोड़ा सा फ्राई कर ले रही हूँ, और उसके बाद इधर ये भुनता रहेगा, तो इधर मैं जब तक मसाले की तैयारी करूँगी। तो मैंने मसाले के लिए प्याज और सब ले लिया है, काट लिया है प्याज टमाटर हरी मिर्च, तो इसको मैं काटूँगी छोटा छोटा। तो ये देखिए, जब तक मैंने प्याज वगैरह काटा है तब तक यहाँ पे तुरई मेरी अच्छे से भुन गई, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। और उसके बाद इसी कढ़ाई में मैंने और ऑयल डाल दिया है थोड़ा सा, अभी देख सकते हैं गरम हो गया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और यहाँ पे डालूँगी मैं थोड़ी सी हींग, तो हींग तो मुझे हर सब्ज़ी में अच्छा लगता है उसका टेस्ट, तो बस हींग डाल दिया है। और उसके बाद मैंने जो प्याज को छोटा छोटा काटा था वो डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दी, हरी मिर्च को मैंने फाड़ा था बीच से बड़ा बड़ा, ताकि अगर कोई ना खाना चाहे तो निकाल सकता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे मसाले ऐड कर दूँगी, प्याज हो चुका है, प्याज को हल्का सुनहरा हो गया, फिर मैंने मसाले डाले, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, और यहाँ पे धनिया पाउडर डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि मैंने पीसा नहीं है इसमें गरम मसाला, तो बस ऊपर से मैं ऐड कर रही हूँ। और उससे पहले पहले मैं डाल देती हूँ यहाँ पर बेसन, क्योंकि बेसन डालूँगी इसलिए क्योंकि बेसन से ना ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पे मैंने बेसन डाला है और गरम मसाला मैं लास्ट में डालूँगी सबसे। तो यहाँ पे बेसन भुनने के बाद, बेसन को अच्छे से भून लेना, उसके बाद ही टमाटर डालना, तो बस बेसन को भून लिया था, फिर मैंने यहाँ पे टमाटर डाला है, टमाटर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर रही, फिर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया ताकि अच्छे से टमाटर मैश हो जाए इसमें मसाले में।
तो यहाँ पे देख सकते हैं टमाटर अच्छे से मैश हो गए हैं मसाले में, और मसाला भी अच्छे से भुन गया है, और तुरई भी हमारी भुनी हुई थी तो बस हमने इसको मसाले में ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें पानी ना डालें, इसी तरह से खा सकते हैं, बहुत टेस्ट लगेगी इस तरह से भी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं खाऊँगी चावल से और चावल से बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए थोड़ा सा ग्रेवी वाली बना रही हूँ। और इसको ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये पक गई ऑलरेडी, तुरई भी पक चुकी है और बस इसकी ग्रेवी में 2-3 खोले लग जाएँ फिर बस ये हमारी तैयार है बनके तुरई, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर दी मसाला गरम, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है, और उसके बाद ये देख सकते हैं आप तुरई हमारी बनके तैयार हो गई है और बहुत ही अच्छी लगती है। अभी ये गरम गरम है और उसके बाद इसको खाओ चावल से, रोटी से, किसी से भी, बहुत टेस्टी लगती है तुरई, एक बार ज़रूर ट्राई करना। हेलो एवरीवन, कैसे हो? और अभी दोपहर का समय हो रहा है और लंच मेरा बन गया है, तो लंच में जैसा कि आपको पता ही है मैंने तुरैया बनाई थी लंच में, और अभी बाबू सो गया था, देखो अभी उठा, सो के अभी उठा है, बिल्कुल जस्ट अभी सो के उठा है। हाँ, और मैं सुबह नहाई थी, देखिए मैंने सर धुला, अभी ऐसे बाल भी नहीं कड़े हैं, ऐसे क्लेचर लगा लिया है ऊपर, दिन भर टाइम नहीं मिला, एलवी बैक टू बैक एल भी थी तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला, वीडियो शूट करने का भी टाइम नहीं मिला ज़्यादा, तो बस मैंने सोचा चलो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। और बच्चों के लिए बनाने जा रही हूँ मैगी, क्योंकि बच्चे को तुरैया नहीं खाते ना तो उनको थोड़ा सा भूख लगा, तो वो बोले मैगी बना दूँ, उनका हाँ बना दूँगी। बाबू मैगी खाओगे? ये सो के उठा ना तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो रहा है इसको, तो चलिए मैं मैगी बना के देती हूँ बच्चों को, फिर मिलती। सादा बना रही हूँ, बिल्कुल सादा मैगी बना रही हूँ क्योंकि बच्चे खाएंगे ना तो सादा ही ठीक रहेगा, और वरना मैं इसको मिर्च वगैरह डाल देती, मैंने कुछ नहीं डाला, बिल्कुल सादा बना रही हूँ और कुछ नहीं डाल रही हूँ। तो मैगी बन गई, मैं बच्चों को दे देती हूँ, फिर खाओगे मैगी? खाओ।